Experience the thrill of PSL 9 live on A-Sports. ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। मैं उस पर एक वीडियो भेज रही हूँ, वो वीडियो तुम असजद को भेजो। ठीक है मैम, मैं अभी सिम लगाता हूँ और आपके नंबर पर मैसेज करता हूँ। निकाह खत्म हो चुका था, हमने आपको निकाह की बात बता दी थी। मारिया का कोई कसूर नहीं है तो फिर उसे किस बात की सजा दी जा रही है? तुम्हारी वजह से एक दफा तलाक का दबा तो मुझ पे लग गया, लेकिन खुदा की कसम अगर असजद ने मुझे तलाक दी ना तो उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगे। अफसोस हो रहा है मुझे असजद तुम्हारी बातों पर, मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बीवी पर तो यकीन करो। मारिया ने तुम्हारे साथ वफादारी की है। खबरदार अगर मेरी बीवी का नाम अपनी जबान पर लाए तो। मुझे तो लगता है कि मैं एक बार फिर कचहरे में आके खड़ी हो गई हूँ, जहाँ मुझे अपने किरदार की फिर से गवाही देनी पड़ रही है, लेकिन कोई भी मेरी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ तुम पे यकीन रखती है कि मेरी बेटी बिल्कुल पाक दामन है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन मारिया, फाहद से मुलाकात करके ना तुमने लोगों को इजाजत दे दी है कि तुम पे कीचड़ उछाले। उस टाइम मुझे जो समझ आया मैंने वो कर दिया अपना घर बचाने के लिए। मैं अपनी औलाद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उसके बाप ने उसकी माँ के सर के ऊपर से छत छीन लिया। वो माशरे में क्या मुंह दिखाएगा कि वो एक 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 बद किरदार और तलाक याफ्ता औरत की औलाद है? इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने खुद को मार क्यों दिया? मेरी जिंदगी खत्म क्यों नहीं हो गई? अम्मी, अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये तो सिर्फ जिंदगी का एक इम्तिहान है मेरी जान। जहां तक फाहद से तलाक की बात है, तुम ये भी तो देखो ना, उसके बाद अल्लाह पाक ने कितना अच्छा शौहर तुम्हें दिया असजद की शक्ल में। वो तुमसे प्यार भी बहुत करता है, बस वही परवरदिगार असजद के दिल का मैल भी धो देगा। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। पता नहीं अम्मी, मुझे तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद होने चली है। असजद ने मेरे साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी है। उसके पास पता नहीं कुछ प्रूफ है जिससे उसको लगता है कि मैं शादी के बाद भी मारिया से मिलता था। अच्छा, ऐसा कौन सा सबूत है उसके पास? खैर, ये सब तो होना ही था। अब तुम क्या करोगे, क्या सोचा है? सोचना क्या है, जब बिजनेस ही नहीं रहा तो यहाँ पे रुकने का जवाब ही पैदा नहीं होता, बाहर चला जाऊंगा। पर तुम क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हो? तुम यहीं कोई बिजनेस कर लो ना। किया था, दुख और घाटा भी मेरे हिस्से में आया था। मेरा मतलब है, हसद ने इस तरह पार्टनरशिप खत्म की है, उससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ पे बिजनेस के हालात कुछ अच्छे नहीं है। मैं तो फैसला कर चुका हूँ रीबा, अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें सारी जिंदगी इस तरह सिसक सिसक कर गुजारनी है या अपनी मर्जी से अपनी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फाद, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब रेहान के साथ नहीं रहना। तो फिर इंतजार किस बात का, खत्म करो इस सबको।
मुझे पता ही सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ वक्त चाहिए, तुम तब तक आराम से सोच लो। हरीबा, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, मैं वादा करता हूँ मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे हक की सारी खुशियाँ तुम्हें दूँ। ये सब इतना आसान नहीं है फहद। हरीबा, तुम्हें हिम्मत करनी हो, तुम्हें ये सब कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। आखिर कब तक तुम इन जबरदस्ती के रिश्तों का बोझ अपने गले में लटकाओगी? ऐसा करोगी तो घुटन तो महसूस होगी ना। हरीबा, आजाद करो खुद को, खुलकर सांस लो। जब तुम ये करोगी तो तुम्हें तब पता चलेगा कि दुनिया और ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मुझे कुछ वक्त दो। तौबत करने वाले तो सारी जिंदगी इंतजार करने थे। बेटा, क्या हालत बना रखी है अपनी? अभी क्यों सजा दे रहे हो अपने आप को भी और उस बेचारी को? से तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती बेटे। आज इफ़त और रेहान आए थे, हमें कसूरवार ठहरा रहे थे कि हमें तो पता था कि उसका पहले निकाह है। सद, हम पहले भी तुमसे माफी मांग चुके हैं हमारी इज्जत की खातिर ही बेटा। गुजरी हुई तमाम बातें भूलकर मारिया को वापस घर ले आओ। देखो, अपने और मारिया के बारे में ना सही, अपने होने वाले बच्चे के बारे में ही सोच लूं। ऐसी हालत में तो शौहर का बीवी के साथ होना ज्यादा जरूरी है, और तुमने उस बेचारे को बेआसरा कर दिया, घर से ही निकाल दी। तुम गुजरी हुई बातें ढूंढता ही तो आया हूं मैं, कि नम्मी मैं भी इंसान हूं, जज्बात है मेरे, तकलीफ होती हो जाए। क्या आपको यह भी पता था कि मारिया फहद से शादी के बाद छुप छुप कर मिलती रही? क्या कह रहे हो? अब मारिया ऐसी लड़की नहीं है। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता ना, तो मैं भी यही कहता। शिव, ये कहाँ से आई? ये वीडियो किसने बनाई है? अबे तुम मारिया से बात करो ना, पूछो उससे, तभी तो जाकर पता चलेगा सच्चाई। कुछ नहीं है उसके पास, सिवाय झूठी कहानी के। मेरी मोहब्बत और जज्बात को एक्सप्लॉइट करती रही है वो इतने दिन। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बस मुझे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं वो मशीन। क्या बेटे ऐसे होते हैं?
कि खानदान वाले अपने मकसद के खातिर उसकी शादी करें ना करें, बस पैसा बनाने की मशीन समझे। हम मानते हैं हमसे ज्यादती हुई, हमें पहले ही बताना चाहिए था मारिया के निकाह के बारे में। लेकिन कैसे बता दिया? उस वक्त तो आप और देवी सिर्फ ये चाहते थे कि मैं किसी तरह अंबर का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल, किसी भी लड़की से शादी कर लूं, बस उसे छोड़। हालांकि आपका जमीर चीख चीख कर आपसे कह रहा था कि आप मेरे और अंबर के साथ ज्यादती कर रही, मगर आप बस ये चाहते थे कि वो खामोश हो जाए। नहीं जानती, हमने मेरे अंदर एक तूफान बरपा है जो खुद को संभालना मुश्किल हुआ है। आपकी समझ बूझ और अक्लो फहम पर भरोसा करते हुए मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले आप पे छोड़ दिए। हर बेटा ऐसे ही करता है, लेकिन आपने उस हक का पास नहीं रखा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। क्या वो बुखार कुछ कम हुआ? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बुखार उतर गया है, सूप से काफी फायदा हुआ है। थैंक गॉड, बस ये एक दो दिन मेडिसिन लेगा और सूप रेगुलर पिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे मैं देख रहा हूँ कि थोड़े दिनों में ही बच्चे तुमसे कितना घुल मिल गए। ये तो बच्चे है, जहाँ प्यार मिलता है उसी के हो जाते हैं। हाँ, सच कहा तुमने, मोहब्बत ऐसे ही जज्बा है, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसी तरफ खींचे चले आते। लेकिन फम्मी बीमारी में अपनी मम्मा को बहुत याद कर रहा था। अब बच्चे की जिंदगी से माँ की अहमियत तो नहीं खत्म कर सकते ना? क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन एक दिन की तकलीफ और सारी जिंदगी गुजारने में फर्क। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बच्चों को एक चीखती चिल्लाती साजिशी औरत के पास छोड़ूं? क्या परवरिश करेगी वो, क्या पर्सनैलिटी बनेगी? ओ, ठीक कह रहे हो, वैसे बानिया बहुत कह रही है, इतना ख्याल रख रही थी फम्मी का, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी नेचर लगी उसकी, लविंग एंड केयरिंग। सच्ची? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्यों? क्योंकि बेबी को तो मैं हमेशा नाकारा खुदगर्ज इंसान लगा हूँ। कभी कभी तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि मैं बहुत बुरा इंसान। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाकी तुम तो आतंक दबी जाके लोगों की मदद करने वालों में से हो। डैड की बीमारी के दौरान तुमने मेरा कितना साथ दिया। और हमेशा इसी तरह से तुम्हारा साथ देता रहूँगा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी अपने साथ खड़ा पाओगे। आई एम श्योर एंड आई ट्रस्ट यू। तुमने कुछ खाया? नहीं, कुछ खा सकते हैं साथ? चलो ठीक है, मैं ऑर्डर कर। तुम और फहद एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे हो, तुम दोनों मिलकर धोखा दे रहे हो मुझे। एक झूठ को छुपाने के लिए और क्या हजार झूठ बोलोगी? अपनी गलती दूसरों पे मत डालो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मारिया, ये तुम हर वक्त क्यों रोती रहती हो? तुम्हें पता है हर वक्त रोना अच्छा नहीं होता है। पहले घर में परेशानियां कम हैं, तुमने घर का सारा माहौल खराब कर दिया। और तो मैं क्या करूं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अजद ने इतनी बेदर्दी से अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया है। तो क्या तुम्हारे रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही अच्छा होगा। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम प्लीज अर्शद के पास जाओ, उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि मेरे और फहद के बीच में कोई ताल्लुक नहीं था, उनको ये सब कुछ गलत लग रहा है, प्लीज। मैं क्यों बात करूंगी?
प्लीज मेरे लिए एक बार कोशिश कर लो, इतना तो कर सकती हो ना तुम मेरे लिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसान मन रहूंगी, प्लीज एक बार बात कर लो तुम मस्जिद से। मारिया मुझे सब में मत इन्वॉल्व करो, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो रेहान और खाला में तो मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे ना। पहले इतनी नेकियां की हैं तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ, इस घर के साथ, मुझे पहले कौन सा सिला मिल गया है जॉब मिलेगा। जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस मेस। I'm so sorry, Ajit. अब मेरा यहाँ काम करना पॉसिबल नहीं है, सोचा रिजाइन दे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा इनके साथ, फोर्स नहीं करूंगा, ना ही कर सकता हूँ, इस पोजीशन में नहीं। लेकिन मेरे पास तुम्हें ऑफर करने के लिए कोई जॉब नहीं है, बच्चों का। बच्चे और मैं नताशा के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक ही है, और बच्चे भी हैं हमसे, नया घर भी ढूंढ रहा हूँ और नौकरी भी। हालांकि माँ के बगैर बच्चों का गुजारा कैसे हो। समझता हूँ इस बात को, बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों की बड़ी अहमियत होती है उनकी ज़िंदगी में, और ये बात तो मुझे समझा रहे हो। तुमने खुद इस बारे में सोचा कि तुम भी एक होने वाले बच्चे के बाप हो? पता चला मुझे मारिया भाभी के बारे में। असल मारिया बहुत अच्छी लड़की है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं मारिया भी बेबी की साजिश का शिकार बनी होगी। वो नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे पास रहें, तुमसे करीब रहें। मेरे ख्याल से तुम्हें मारिया को एक मौका देना चाहिए उनके साथ। प्लीज, जैसे तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे और बीवी के बीच मैं और अम्मी कुछ कहें, ऐसे मैं भी नहीं चाहता कि मेरे और मारिया के बीच में कोई बात करें। चलो कर। मारिया की रोती शक्ल देखकर बेजार होकर, क्यों, क्या हाल है उसका? तुम्हें बहुत फिक्र है मारिया की। मैं तो सिर्फ हमदर्दी के नाते कह रहा था, इसका मतलब है मैं कभी भी किसी भी लड़की का जिक्र तुम्हारे सामने करूंगा तो तुम्हें तो ऐसे ही बुरा लगेगा। ये जालिस हो रही है। पागल, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। खामोश क्यों हो, जवाब दो। क्या जवाब दूं? तुमने सोचा तुम्हें क्या करना? मेरे डॉक्यूमेंट्स तो अगले वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ काम है जो नेक्स्ट वीक ही करने थे, लेकिन मैं इसी वीक करके कोशिश करूंगा कि इसी वीक चला जाऊं। अब सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार है। अगर तुम्हारा मुझसे शादी करने का इरादा है तो तुम्हें यहाँ से तलाक लेनी पड़ेगी। अगर सुहाग यहाँ से अलहदगी करोगी तो फिर हम एक हो सकते। मैं ये सब इतने अचानक से कैसे करूंगी? अभी तो मारिया भी घर आके बैठ गई है, रेहान के पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मुझसे झगड़ सके। आज भी सब मारिया को मुझ पर फोकियत देते, और जब रेहान मुझसे झगड़ तक नहीं रहे तो मैं डिवोर्स की बात कैसे करूं? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मेरी काफी सारी जिंदगी तो ऐसी ही गुजर गई है,
बाकी की भी गुजार लूंगा, मगर मुझे इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि तुम मेरे साथ नहीं। नहीं फाद, प्लीज ऐसे मत करना। एक तो ही तो वो जो मेरे गम को समझते हो। मुझे नहीं पता तुम मेरी लाइफ में इतने अहम कब से हो गए, लेकिन अब अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं रह नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उसको छोड़ो और चली आओ। अच्छा मुझे कुछ वक्त दो, मैं करती हूँ कुछ। ये ऑफिस बंद क्यों है, काम क्यों नहीं चल रहा? आपका फ्लैट था तो? हाँ आई पूरी फाइल है, ये देखे सारे कागजात हैं पूरे। इस पर तो फातिया पढ़ ले मैडम। क्यों? परसों इस प्रोजेक्ट का मालिक मुल्क से बाहर भाग गया है और ये प्रोजेक्ट सील हो चुका है क्योंकि ये कब्जे की जमीन पर बना था। ऐसे दर्द छुपा के बैठ जैसे कोई जमाना। कॉल आ रही है। हेलो मेरी बच्ची, मेरी वानिया, कैसे हो तुम? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान तुम्हें अम्मी की याद नहीं आती है? कितने दिन हो गए तुम लोगों की शक्लें देखे हुए। आती है मगर मगर क्या ए? बाबा बात नहीं करने देते मुझसे। अब मम्मी कहाँ है, है? कैसा है मेरा मम्मी? फम्मी फम्मी को बुखार हुआ था लेकिन नताशा आंटी ने दवाइयां और सूप पिला दिए, अब बेहतर हो जाएगा। नताशा आंटी बड़ा ख्याल रख रही है तुम लोगों का, है? तुम्हारी अम्मी की जगह लेने की कोशिश कर रही है ना वो। पर देखो तुम लोग हो तो मेरे बच्चे, अम्मी तो मैं ही हूं ना तुम्हारी। अच्छा सुनो वापस घर आ जाओ ना। देख कब तक रहोगे नताशा आंटी के घर पर? हम नताशा आंटी के घर पे नहीं है, हम तो उनके फ्लैट में है। फ्लैट पे क्यों? नताशा आंटी के घर पर नहीं हो तुम लोग? नहीं वो जो सी व्यू वाला फ्लैट है ना, हम वहाँ पर है। अच्छा तो वो आकर रहती है तुम लोगों के पास या तुम लोग जाते हो वहाँ पर, है? नहीं हम उनके घर पर जाते हैं, कभी खेलने कभी खाना खाने, बहुत ख्याल रखती है हमारा। मेरे बच्चों पर भी जादू कर दिया, तनी कौन से बाबा के तावीज लाती है फौरन असर हो जाता है। क्या कह रही है मियां? कुछ नहीं मैम। और स्कूल है, स्कूल कैसे जाते हो वो? अरे ये ले बाबा आ गए, अब उनसे बात कर ले। क्या हुआ बेबी, क्यों फोन किया, क्या बात है? तुम्हारे तो बड़े मजे हो रहे हैं वहाँ पर, हैं? अपना घर दे दिया रहने को, बच्चों का इतना ख्याल कर रही है, हैं? कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं कर लिया तुम दोनों ने? मुझे लगा कि तुमने फोन किया होगा कि बच्चों की खैरियत पूछ लो, तुम्हें बच्चों का ख्याल आ गया होगा। लेकिन तुम तो रही वही बेबी। हमने इसलिए फोन किया था कि तुम इस घर की टो ले सको। बकवास बंद करो, ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे नहीं पता था यहाँ से जाने के बाद तुम नताशा के कदमों में जाकर बैठ जाओगे। अगर इससे आधी भी मोहब्बत तुमने मुझे दिखाई होती ना तो आज हमारे इतने लड़ाई झगड़े ना होते। फजूल बातें नहीं करो और जाओ यहाँ से, फोन बंद करो। अशद ये आपने क्या होलिया बनाया हुआ है, कपड़े भी प्रेस नहीं किए ऐसे ही पहन लिए। क्या फर्क पड़ता है, जिंदा हो सांसें ले रहा हूं उसके लिए जी रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, जानते हो कई रातों से सोया नहीं हुआ, जाग के गुजार देता हूं सारे। जब ही तो कह रही हूं कि मारिया को अच्छा ओके ठीक है, मैं मारिया के बारे में कोई बात नहीं करती सही, लेकिन प्लीज
खुद पे तो ध्यान देना। आज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है उस्मान ग्रुप के साथ। मैंने आपको रात में मैसेज भी किया था रिमाइंडर का। पता नहीं क्या होगा, मैंने मोबाइल नहीं देखा। प्लीज मना कर दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। क्यों मना करूं? इधर दिखाए मुझे। इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जीना छोड़ दे। और ये जो कंपनी है, ये आपने इतनी मेहनत से खड़ी की है, थोड़ा हौसला करें, हिम्मत करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मुझे तो लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। आपको पता है नाशद, अल्लाह हमें हमारी माँ से ज्यादा प्यार करता है। अगर उसने हमें मुश्किलात दी हैं, तो आसानी भी तो वो ही देगा ना। हर रात के बाद रोशनी जरूर आती है। चले उठे, शर्ट ठीक करें और ये कोट पहने। चल अब हो गए ना बिल्कुल रेडी मीटिंग के लिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? छोड़े सब, चले सब हमारा वेट कर रहे हैं वोट रूम में। चल कहाँ जा रही हूँ? जरूरी काम से जा रही हूँ। क्यों, आपको कोई काम है मुझसे भी? मारिया की अम्मी और उसका भाई आया था रेहान। क्या कर गए हैं कि हम लोगों ने तो बता दिया था मारिया के निकाह, आप लोगों ने छुपाया इज्जत से, तो इस मामले को खुद ही संभालें। अब मारिया की सिर्फ तलाक की बात होती तो ना, वो जो फाद से छुप छुप कर मिलती थी उसका क्या? उसके भी जवाब दे अब हम होंगे क्या? फालतू की बातें तो तुम मत कर। अच्छी तरह से जानती हो कि मारिया बेकसूर है। तुम हजरत से बात करो, उसे कहो कि इस सब में मारिया को कोई कसूर नहीं। अच्छी तरह से जानती हैं कि अजब मुझसे बात कर नहीं रहा, और मारिया का नाम सुनने का तो अरावदार ही नहीं है अभी। इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम। क्यों मारिया और अजद का घर बर्बाद कर रही हो? अजद हमारा इकलौता बेटा है। इतने बरसों के बाद इस घर में खुशी आ रही थी। तुमने अपने भाई की हालत देखी, उसी पे तरस कर लो। इंसान को उसके किए की सजा कभी कभी आखिरत में नहीं, इस दुनिया में ही मिल जाती। मारिया की गुनहगार हो तुम, उसकी सजा मिल रही है तुम्हें, जो इंकसार तुम्हें छोड़कर चला गया, और तुम्हारे बच्चे भी। ना तो मुझे इंकसार की जरूरत है और ना इस घर को मारिया की। अब वो बच्चे मेरे हैं, उन्हें तो मैं ले ही आऊंगी। जब मैं हूँ तो सबको संभाल लूंगी। आप क्यों जरा जरा सी बात पर परेशान होती हैं? बेबी, इंसान वक्त पर न संभले ना, बहुत बुरी ठोकर खाता है। आपकी बात खत्म हो गई है तो अपना जरूरी काम कर लूं मैं। यार रब, इस लड़की को अकल दे। तनी और कितनी जिंदगी हम बर्बाद होंगी। दिसंबर को भेजिए सर।
Yes, please. Thank you. आपको मुस्कुराता देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। इस मुस्कुराहट की वजह सिर्फ तुम हो। ये देखो। ओपन। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अगर तुम ना होती तो इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपकी है। मैं तो अंदर से टूट गया था। अगर तुम मुझे हौसला ना दिलाती मैं तो मीटिंग अटेंड करने भी नहीं चाहती। मैं वाकई तुम्हारा एहसान हूँ। थैंक यू। प्लीज अर्शद, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है। आपकी कामयाबी और तरक्की से ना मुझे खुशी मिलती है। आज भी मेरा दिल ना आपकी भलाई का ख्वाहिशमंद है जैसे पहले। I'm sorry, Amber. अच्छा ठीक है, छोड़े सारी बातें, मुझे ट्रीट दे इस बात पर। बिल्कुल ट्रीट बनती है, लेकिन तुम्हारा मूड। छोड़े ना मूड को, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। और वैसी बात है तो लेट्स इट। चल चल, मैं बैग लेके आती हूँ। ऑफिस क्यों बंद है? भैया ये ऑफिस बंद क्यों है, काम क्यों नहीं चल रहा? आपका फ्लैट था तो? हाँ आई, पूरी फाइल है, ये देखे सारे कागजात हैं पूरे। इस पर तो फातिया पढ़ ले मैडम। क्यों? परसों इस प्रोजेक्ट का मालिक मुल्क से बाहर भाग गया है और ये प्रोजेक्ट सील हो चुका है क्योंकि ये कब्जे की जमीन पर बना था। क्या मैं ये कैसे हो सकता है? मेरा पैसा और मेरा फ्लैट सबसे बड़े वाला चार्ट में गया था भाई। मैडम आपको बताया था यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, इस प्रोजेक्ट का बिल्डर सब कुछ और छाड़ कर भाग गया है। मैंने इस फ्लैट किस्ते भरने के लिए बड़ी मेहनत की थी और मैंने अपनी बीवी का जेवर तक जाना भेज दिया। अरे आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? मैं लौट गई। अरे आप ठीक? जाओ राशिद पानी ले आओ मैडम के लिए। अरे क्या हुआ आपको? ठीक तो हैं आप? अरे आप ठीक तो हैं? मेरे पैसे। सबर करें सबर। ठीक सारे कागजात हैं मेरे पास। ये क्या हो गया? मेरा सारा पैसा तो मैंने उस घर पर लगा दिया था, अब तो मैं खाली हाथ हूँ। उफ, किस किस तरह से मैंने वो रकम इकट्ठी की थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे, मैं बता रही हूँ कहीं से मैं ढूंढ कर निकालूंगी। बात आज में भी चुप हो तो भी मैं अपने एक एक पैसा निकलवा लूंगी, समझे? ये क्या हो गया?
मैं क्या कर रहा हूँ? बर्बाद हो गया, मेरे मेरे सारा पैसा बर्बाद हो गया। अंजन वो मैं घर आ रही हूँ, मैं वो साइड पे हूँ अपने फ्लैट की, बस मैं निकल रही हूँ, तुम मैं प्लीज घर पहुँच जाओ। मैं क्या करूँ? जगह धोखे बाग भरे हो, तो कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ बीच में आ गया से बीच में, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या हो गया? क्या तरीका है बेबी? मैं बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, एक एक को देख लूंगी। बेबी का पैसा तेरे नाम से कोई हजम नहीं कर सकता, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। भाई हुआ क्या है, कुछ बताओगी या मैं? वो मेरा फ्लैट जिसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जमा करके किस्तें भरी थी, वो बिल्डर भाग गया, लूट गया मेरा पैसा। खुदा क्या बात कर रही हो, तुम्हें किसने बताया? वही साइड से होकर आ रही हो अभी अभी, ऐसे भंडार पड़ा था, आध खड़ी बिल्डिंग, कुछ भी नहीं था वहां पे, कंपनी ने कब्जे के प्लॉट पे बना लिया पूरा प्रोजेक्ट। मना किया था तुम्हें, मना किया था कि बेबी इस खेल से मत खेलो। तुमने कहां सुनी हमारी, ना भाई से मशवरा किया ना शौहर से, और बगैर सोचे समझे उठाकर पैसा लगा दिया और डुबो भी दिया। कैसे डुबो दिया? ऐसे कैसे डुबो दिया? ऊपर तक जाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी, इस बिल्डर की नकल याद रखेंगी। वो तो तब याद रखेंगी ना जब वो यहाँ पे होंगी। पता करवाया मैंने, बिल्डर अपने खानदान समेत मुल्क छोड़ के भाग गए। ये क्या कह रहे हो? तो मैं क्या करूंगी, 1.5 करोड़ तो मैं जमा करवा चुकी हूँ, मैं तो बर्बाद हो गई। अंजन आराम की बनाई हुई चीज का यही अंजाम होता है बेबी। और तुमने उस फ्लैट के लिए 1.5 करोड़ रुपए कहां से और किस तरह जमा किए थे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब्बा का घर बेच दिया था ना उस फ्लैट के लिए। अरे बाप की आखिरी निशानी, मेरा बचपन, मेरी जवानी, क्या कुछ नहीं जुड़ा था उस घर से। मगर तुम्हें लालच में जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो घर हमारे लिए क्या मायने रखता है। देवी तुम्हारा मसला ये है कि तुमने हमेशा दौलत को रिश्तों पे फोक किया और आज वही दौलत तुम्हारे हाथ से फिसल गई। तो अगर वो फ्लैट बना भी लेती ना और उसमें रह भी लेती, फिर भी उसमें बरकत नहीं होनी। यही फर्क होता है हराम और हलाल। इससे सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए होता है मुझे दलील करने का। मेरी तकलीफ, मेरा दुख, उसका तो एहसास ही नहीं है किसी को। तुम्हें एहसास है इसके दुख का, तकलीफ का? मादी चीजों के खोने पे इतना बावेला कर रही हो। उसने रिश्ते खोए हैं तुम्हारी वजह से, प्यार करने वाली बीवी, होने वाला बच्चा सबसे महरूम हो गया है तुम्हारी साजिशों की वजह से। तुम्हारे हिर्स की कोई इंतहा है? कहाँ जाकर रुकोगी तुम, और कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? ये हमारा जन्नत जैसा घर अपनी जागीर समझ के बेच दिया। अरे हमारे सर से छत छीनी थी ना, तो तुम्हारे सर पे कैसे रहती छत? देख लिया तुमने खुदा का इंसान, ये होता है बुराई का अंजाम। हम तुम्हें अभी भी समझा रहे हैं कि मजीद तकलीफों से बचना चाहती हो ना, तो तौबा कर लो, अपनी गलतियां ठीक कर लो। ऐसा ना हो खुदा तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देना शुरू कर दे और तुम्हारे पास ठीक करने का वक्त भी ना बचे।
पिटो यहाँ पे, मातम करो। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव ए स्पोर्ट्स पर।